सब साइन आर्मी, क्या हाल है? तो यार आज की वाली वीडियो में जिसका डायलॉग का बंचेस लगने वाले हैं ये तो तुमको पता चल ही गया होगा, लेकिन यार उनका इंट्रो तो बनता ही है ना। अबे अबे ये कौन सी क्लिप डाल दी? अबे विनोद पागल हो गया है क्या? अच्छी वाली डाल। मास्टर बिनू कहते हैं इसे ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित बढ़ाना। एंट्री कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो यार वीडियो स्टार्टिंग में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक नौचालक रहता है, तो यार वो आगे जाके हेल्प भी करता है अगर तुम उसके पास पहुँचोगे तो। मतलब कि यार मैं बता दूंगा, ये वीडियो के एंडिंग में हम एक जगह आ जाएंगे, वहाँ पर एक्चुअली में एक हंटर्स का बेस रहता है, तो वहाँ पर जाके हम हंटर को मारेंगे और हंटर का बेस में अगर वहाँ से थोड़ा पानी के साइड जाएंगे तो वो नौचालक फिर से मिलेगा और वो कुछ मैप्स शेयर करता है जो कि उतना नेसेसरी नहीं है। अगर नहीं चाहते हो तो मत भी जाना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार आज की वाली वीडियो में बात करते हैं यार। तो यहाँ पर आरटीओ को जैसे तुम देख रहे हो पकड़ा गया जाता है, लेकिन ये लोग अपने बीच में ही झगड़ रहे होते हैं ये पायरेट्स लोग, और तभी क्या होता है तुम खुद ही देखना। देखा ना ये भालू को, देखा ना? तो यार एक बात मैं तुमको बता दूँ, ये भालू के साथ हमको 1v1 फाइट लेना है, और सच बताओ तो अलग ही लेवल का पड़ता है, बहुत डेंजर है। लेकिन यार मूली वूली मिल जाता है तो सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आके एक पायरेट आके इधर खड़ा हुआ रहता है, उसको डैमेज गिरा हुआ रहता है जो कि बच जाता है भालू से, और यहाँ पर डैमेज गिरा हुआ रहता है तो, और उसके तीन साथी जो वहाँ पे थे वो लोग मर गए होते हैं, ये अकेला बच गया होता है। तो यार सीधे आ जाना यहाँ पे, देखना एक मैं पेड़ के नीचे छुप जाऊँगा, तो यहाँ पर थोड़ी देर आपको भी छुप जाना है, यहाँ पर थोड़ा छुप जाना, और उसके बाद यहाँ से तीन निकल जाएंगे पायरेट्स, तो उनके जाने के बाद यहाँ से निकलना। तो देखा वो लोग निकल गए, तो यहाँ पर आप नीचे से भी जा सकते हो। एक्चुअली नीचे से जाओगे तो लेफ्ट साइड में एक पानी का रास्ता होगा, तो पानी के अंदर तैर के आपको जाना पड़ेगा उधर, तो उधर से भी जा सकते हो, या तो फिर यहाँ से भी ऊपर से आपको जाके एक एक बंदे को मार मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। और सच बताऊँ तो एक्चुअली ये गेम में ये पार्ट ही सबसे डेंजर पार्ट है, मतलब कि यार यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जितना हो सके छुप छुप के मारने की कोशिश करना, और ऑलमोस्ट जब 70% पायरेट्स को तुम लोग मार दोगे तब ओल्गा इन लोग को मना कर देगी बाकियों को कि तुम पर अटैक ना करें, और यार आसानी से तुम यहाँ से निकल के जा सकते हो। तो यार मैं बता दूंगा पायरेट्स के बेस से कहाँ से किधर से होके तुमको रास्ता मिलेगा, तो यार वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। और एक बात सुनो, 25 के फूल 30 की माला, जो यहाँ से बच के निकल जाए वो है गेम खत्म करने वाला। तालियां तालियां। हाँ तो यार एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, जो वहाँ पर भालू ने अटैक किया था तो वहाँ पर एक पायरेट के पास शॉटगन होता है, तो वो शॉटगन हमको वहाँ से उठा लेना है। तो वीडियो में मैं उठाया हूँ तो आपको एक चैट लोकेशन पता चल जाएगा, इधर उधर थोड़ा गिर सकता है आप जब खेल रहे होगे, तो उठा लेना शॉटगन, क्योंकि यार बहुत फ़ायदा देने वाला है, सिर्फ क्रॉसबो लेके हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते।
तो यार यहाँ से मैं कोशिश कर रहा था किसी को देख के निशाना वशाना लगा सकूँ, तो उसी का ही ट्राई कर रहा था। और तो यहाँ जाना है आपको, और यहाँ से देखो ये वाली रस्सी के सहारे आगे बढ़ जाना है। पहले आई सुनी मत लो, अरे सुन तो ले। तो यहाँ पर यार देखो, मैं बंदे को स्पॉट करने का कोशिश कर रहा था, ये शॉटगन पकड़ा हुआ था तो उसको ऐसे शॉट दिया, लेकिन यार लगा नहीं। तो वही बस ट्राई करना, और यार रास्ते तुम्हें ऐसे भी पता चल जाएगा, देखते रहो वीडियो। और आखिर में देखना एक मैं कहाँ से तुमको ले जाता हूँ, वहाँ से देखना और बंदे को मारना। और 70% जैसे मैं पहले बोला था, 70% बंदे को फेल दोगे तो यार वैसे भी उलगा के रोक लेगी उन लोग को, फिर उसके बाद वो लोग थूक पे अटैक नहीं करेंगे। तो यार देखो तुम्हारा भाई कैसे पिलता है इन लोग को। तो यार आपको भी ये वाले घर में आना है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा छुप छुप के भी मार मारने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से पीछे वाले घर में भी बंदे रहते हैं, तो वहाँ पर भी मार सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ से आगे बढ़ जाना, और सामने बंदे होंगे पीछे भी बंदे होंगे, तो दोनों तरफ से देख के मारना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली वही ट्राई कर रहा था स्पॉट करने का, तो यहाँ पर एक को चिपका देता हूँ, और इधर नीचे एक दो होता है शायद, तो इसको भी ठोक देते हैं। यार तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा भाई कितना प्रो है, मतलब मैं कैसे मारता हूँ इन लोग को पता है। जहरे, जहरे। तो यार तुमको बता दूँ, मैं जैसे एनिमीज को मार रहा हूँ वैसे मारना है, ये मत सोचना, जैसा हो सके तुम वैसा फेल देना। तो यहाँ से देखो मैं जैसे मार के तुमको खाली रास्ता जो दिखा रहा हूँ वही रास्ता से हमको हम लोग को आगे बढ़ना है, तो बस वही करना। और यार एक और चीज़, अमित भाई हो और यार शायरी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सुन लो। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बावली तू क्या सोचे इन्हें खरीद लेगी तू बाजारों में, अरे मेरे खास हैं ये, नूही ना मिलते हैं हजारों में। तो यार यहाँ पर ओल्गा आ जाती है और इन लोग को अलर्ट कर देती है इसके मारने के बाद, तो देखना सारे के सारे मेरे सामने सरेंडर कर देंगे। तो यार हो सके तो आप लोग यहाँ से लूट लेना अच्छे से, क्योंकि ये लोग सरेंडर करेंगे तुम पे हमला नहीं करेंगे, अच्छे से लूट लेना। लेकिन यार जब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यार हंटर्स का बेस भी रहता है, तो हंटर्स का बेस वाला वीडियो शायद मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि यार हंटर के बेस में तुम जाओगे तो भी मार के वहाँ से कुछ ले सकते हो, या तो फिर उनको बिना मारे भी मिशन में तुम आगे बढ़ सकते हो। तो यार हंटर का बेस अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये रास्ता है। लेकिन यार पायरेट्स को मारने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, लाइक देखो तुम कितना अच्छा फील हो रहा था मेरे को। तो यार भाई की तरफ से एक और शायरी सुन लो। अबे यार ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है अंग्रेजी में अपना हाथ। तो यार इसके बाद अमित भाई को कहाँ जाना था तो वो चले गए। क्या बोला, कहाँ जाना है उनके मुंह से ही सुन लो। जाना सैन फ्रांसिस्को, और एक मेरे को जाना चेकोस्लोवाकी। क्या ला, और मेरा शायरी नहीं सुनोगे? हाथ में है खुजली, शरीर में है दम, चलो देखने चलता हूँ मैं दिशा की मलंग। तो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। विनोद कहाँ जा रहे, रुकता सारे अनाप सनाप एडिटिंग कर रहे। We'll be right back.